हम कैसे इवॉल्व होते हैं, यानी हम कैसे उत्पन्न होते हैं। हम बचपन में हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं, हम निर्भर होते हैं हर एक बात के लिए। खाना खाने के लिए माँ की तरफ से, पैसे के लिए जब बढ़ते हैं तो पिता की तरफ से, कोई हमें कुछ नया सिखा दे तो भाई या फैमिली में फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बातें सीखना है तो भी हम सब डिपेंडेंट होते हैं, हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं। कहानी हमारी डिपेंडेंसी से शुरू होती है, उसके बाद हम थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लो आपने गाड़ी चलाना सीख लिया तो आप गाड़ी चलाकर बहुत सारी चीज़ मम्मी को ला कर देते थे। आप गाड़ी अगर चलाना सीख लिए तो आपकी फिर लालच ये बढ़ जाती थी कि आप थोड़ा सा टू व्हीलर से फोर व्हीलर जाएं, और आप इंडिपेंडेंट की तरफ जाते रहते हैं। जब आप स्वयं खुद अपने लिए निर्णय लेते हैं और किसी के लिए निर्णय लेते हैं तो आपको लगता है कि आप निर्णायक नायक है, कि आपको सही और गलत का ज्ञान है। तो आप सोचिए, जहां बिल्कुल आप अज्ञान थे, जहां आप पूरे डिपेंडेंट थे, जहां पूरे आप भूले थे, अब आपको जानकारी होने लगी और आप धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, आपकी उत्पन्नता ये नज़र आने लगी है। और ऐसे ही उत्पन्न होते होते आप कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप जान जाते हैं कि सब कुछ आपको नहीं आता है और सब कुछ आप कर नहीं सकते, सब कुछ आपको करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस, यही कहानी है आज मेरे ट्रायंगल थ्योरी की। कि हमेशा मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस तक तो पहुंच जाएंगे, एक अज्ञानता से, अज्ञानता के अंधेरे से आप ज्ञान के प्रकाश तक तो पहुंच जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेंगे, ज्ञान से आप इंडिविजुअली अपने आप को बहुत अच्छा साबित भी कर लेंगे। लेकिन कहानी की सच्चाई ये है कि आप अकेले में अच्छे हो सकते हो, लेकिन कैसे हो आप जब आप लोगों के बीच में काम करते हो? क्योंकि अक्सर हमें लोगों के बीच में ही रह के काम करना होता है। हम टीम, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि टीम होती है, जैसे हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट के तहत हो, इंटर्नशिप के तहत हो, नौकरी में हो, या फिर एक सामाजिक कोई संगठन हो, जिस किसी जगह पे देखो तो हमारा समाज संगठित है और एक दूसरे के सहारे चलता है। यही कहानी है जो स्टीफन कोवे जी ने बताया है। लेकिन इसके अलावा यदि हम हमारे पुरातन काल में झांक कर देखते हैं तो हमारी हिस्ट्री, इतिहास भी यही कहता है कि हम संगठित थे, संगठित रहे तो अच्छा है, हम नहीं रह रहे हैं। कहानी यही है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस हम स्पेल आउट करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हम वहीं घुट गया दम। अच्छा ही ये होगा कि हम समझ जाए कि हम बहुत कुछ है जो नहीं कर सकते हैं। दूसरे सिम्बायोसिस, यानी आपका योगदान, मेरा योगदान, तभी तो जाकर ये बहुत खूबसूरत संसार, ये संसार की जो रचना हुई है वो किसी एक के लिए नहीं हुई है, सबके लिए हुई है। और सबने इसका योगदान किया और सब साथ में बढ़े तो ये प्रकृति कुछ और होगी। अगर मैं सिर्फ लालच से ग्रीड ड्रिवन रहा तो मेरा पेट बहुत बड़ा फैल सकता है। यदि आपने अनाज डाला तो दिखाई देगा, लालच दिखाई नहीं देता है, और लालच दिखाई नहीं देता इसलिए लालच की मार भी बहुत दिखाई नहीं देती है, बहुत बुरा कर देती है, और वो एकदम रिग्रेशन की तरफ लेके जाती है, यानी आप पछतावा के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। जो मंत्र है डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ जो चाहते हैं, हम एक सामूहिक संगठन है, एक सामूहिक समाज है, हमें मिलकर रहना है, और इसमें और कोई चीज़ नहीं आना चाहिए, इसमें कोई कास्टिज्म नहीं आना चाहिए, इसमें कोई कल्चर नहीं आना चाहिए, इसमें कोई रिचुअल नहीं आना चाहिए, कोई फीमेल है फीमेल है, अब ऐसा दौर ही नहीं है। बात को समझिए, जागरूक मन से और आंखों से देख लिए कि आगे क्या हो रहा है इस देश में और तमाम दुनिया में। ये जरूर हो रहा है कि अब सब इक्वल है, जिसमें कैपेसिटी है वो आगे बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम दूसरे की कैपेसिटी और दूसरे के इंटेलिजेंस को कभी शक की नज़र से मत देखिए, उन्हें प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। कोशिश कीजिए कि सब जितने अच्छे चल सकते चलिएगा, हर जगह आप अच्छे नहीं हो सकते, दूसरे जब अच्छे हो तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। उदाहरण के रूप में बोलता हूँ कि और तेरे मेरे सपने अरशद वारसी की पहली पिक्चर थी, जहाँ से वो शुरुआत करते हैं और अब जाके मुन्ना भाई MBBS में उनकी पहचान हो रही है। उनको सवाल पूछता है एक जर्नलिस्ट कि आपको कैसा लग रहा है जब आप इस परचम पे चढ़ रहे हैं, जो सफलता की सीढ़ी है वो लांग रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। तो अरशद वारसी ने बहुत अच्छा कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं ये सफलता की सीढ़ी जब चढ़ रहा हूँ तो जितने भी लोग मिलेंगे मैं उनके साथ बहुत हंसते खेलते और बड़े मॉडेस्टी ह्यूमिलिटी के साथ मिलना चाहता हूँ, एकदम इंसान के रूप में ग्राउंडेड, ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे मिलना चाहता हूँ, और क्या पता कभी उसी सीढ़ी से मैं कभी घसरूँ और नीचे आऊँ तो उनसे मुलाकात होगा, और यदि उनसे मुलाकात हुआ, मैं उनसे अच्छा रहा, तो वो भी मेरे साथ अच्छे रहेंगे। मंत्र
जान लीजिएगा कि डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस यही सीढ़ी है और हम सबको ऐसे ही चलना है। समझ जाए तो अच्छा है, वरना ये ट्राई एंगल थ्योरी है। इस ट्राई यानी तीन वाले ट्रायो वाले एंगल को झाके देखिए, समझ गई तो आगे बढ़ जाइएगा। मेरा काम था आपको बताना, स्टीफन कोवाई जी को एक बार जगाना, क्योंकि मेरे वो गुरु हैं। उनको नमस्कार करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी।